संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आज ये कहूंगा कि विभिन्न गांव के जो ग्रामीण हैं वो आज जिला उपायुक्त से मिले हैं। दरअसल क्योंकि अब जो फसलें हैं, चाहे हम गेहूं की बात करें चाहे सरसों की बात करें, तो आवारा पशु हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब नौबत ये भी आ गई है कि आवारा पशुओं का जो झुंड है वो किसानों पे भी हमला करने लग गया। हमारे साथ एक किसान भी हैं जिनको फ्रैक्चर आया है, हाथ में चोट लगी है। आज आधा दर्जन से अधिक गांव के जो किसान हैं, चाहे हम मलिकपुरा की बात करें, मठदादू की बात करें, जूठी खेड़ा की बात करें, चाहे जो रामपुरा बिश्नोइया की बात करें, तो किंगरा और जंडवाड़ा जटान, तो तमाम जो गांव के लोग हैं वो आज जिला उपायुक्त से मिले हैं और आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात कही। क्योंकि आवारा पशु है वो खेतों में लगातार नुकसान कर रहे हैं और 100-100 के करीब जो आवारा पशु हैं वो एक साथ जो है फसलों से गुजरते हैं, तो किसानों को भारी नुकसान होता है। क्योंकि धुंध पिछले कई दिनों से चल रही है, तो एक दो किसान पे है वो आवारा पशु ने हमला भी किया है। हमारे साथ इस वक्त जो मलिकपुरा गाँव के सरपंच है, सरपंच साहब क्या कुछ कहेंगे, ये जो आज समस्या है इसको लेकर के आज जिला उपायुक्त से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, कितनी समस्या ये गंभीर है? नमस्कार जी, पहले तो धन्यवाद करेंगे सड़कनामा चैनल का जी, हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उपायुक्त जी से बात की है, जो आवारा पशुओं का लगभग 70 पशुओं का समूह है हमारे गांव, पांच छह गांव तो हम इकट्ठे हैं जी, ये तो पूरी तरह से प्रभावित है जी। फसल जो सरसों अभी तक आप देख लो, एक किसान भी अंदर नहीं घुसता उसके लिए, अभी स्प्रे करने के लिए उसका नुकसान होगा। 70 पशु जो एक एक एकड़ जगह घेर के चले जाते हैं और उस फसल को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। अभी वो फसल नष्ट हानि वो अलग बात है, अभी तो हमारी जान को भी उनसे खतरा हो चुका है। उनको जान से दो प्रकार से खतरा है, एक तो पहला तो वो धुंध रहती है, उन दिखाई नहीं देते किसान। अभी सिंचाई का टाइम चल रहा है, गेहूं को भी सिंचाई देनी है, नहरों में पानी आया हुआ है मोटरों से, रात को वो एकदम से अटैक, ऐसे 5-6 इंसिडेंट हो चुके हैं हमारे अलग अलग गांवों में। और उनका एक एग्जांपल गुरमेल सिंह जी मरदादू से हैं, जिन्होंने अपनी जान को सरसों में घुसकर बचाया। और दूसरा इसमें और भी नुकसान का एक ये कारण है कि किसानों का झगड़ा भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है आपस में, यानी कि इधर इधर से उधर चले जाते हैं किसान, सोचते हैं कि इस गांव के किसानों ने हमारी तरफ उस पशुओं को धकेल दिया। हाँ, तो हम जहां सारे के सारे गांव के किसान हैं, जो भाईचारे को कायम रखने के लिए, एक साथ रहने के लिए उपायुक्त जी से प्रार्थना करने आए हैं कि इनका कोई ना कोई समाधान है, जो उपयुक्त समाधान वो किया जा सके। और हमारे हिसाब से जो विभिन्न विभिन्न गौशालाएँ हैं उनको छोड़ा जा सकता है। और हम 6 के 6 गांव हैं जो भी गौशाला को तैयार हैं, और जो भी वो हमसे इसके लिए सहायता मांगेंगे उससे बढ़कर हम सहायता एक साल नहीं हर बार देंगे। तो ऐसा उपायुक्त ने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि इस समस्या का जो निवारण है वो जल्द किया जाएगा। हाँ जी, उन्होंने 10 दिन का समय दिया है और 10 दिन के अंदर अंदर आपका समाधान इसका हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ किसान भी हैं। सर, ये कैसे हुआ वाक्य है, कब की ये बात है और क्या कहेंगे? सर, पहले तो सड़कनामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी जो खबर को ऊपर तक पहुँचाने का काम किया। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी चोट लगी है जी, जब हम सुबह खेत में गए जी, खेत में गए तो तब देखा कि हमारे खेत में पशु लगे हुए थे। जब हमने उसको उठाना चाहा जी, तो एकदम से पशु हमारी ओर दौड़े और हमें मारने के लिए पूरे ताबड़तोड़ दौड़े। उनसे बचने के लिए जब हम भागे तो भागते हुए खाले के ऊपर गिरे और सरसों के अंदर बढ़कर हमने अपनी जान बचाई। और अंदर बढ़कर हमने आस पड़ोस के जो भाइयों से फ़ोन किए, वो आए, तभी जाकर उनको वहाँ से भगाया गया जी। हम उपायुक्त जी से मिले, उनसे ये गुजारिश लगाई है भी हमें जो फसल का नुकसान है उसको जरा जा सकता है, लेकिन जो जान का जो खतरा है वो हमारे किसानों के सर के ऊपर मंडरा रहा है। इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान किया जाए ताकि हम बिना किसी डर से
अपने खेतों के अंदर काम कर सकें। धन्यवाद। तो तमाम तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे 6 से ज़्यादा गांव के जो किसान हैं आज जिला उपायुक्त से मिले हैं और मांग की है कि आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। आवारा पशु हैं जहाँ फसलों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, वहाँ आमजन को भी जो है हानि पहुँचा रहे हैं और एक किसान है उनको भी चोट है वो पहुँचाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।